अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्रास लेटर। आज हम क्या पढ़ेंगे? ग्रास लेटर्स। क्या पढ़ेंगे? ग्रास लेटर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्काई लेटर, ठीक है। एवरीवन नोज दैट वी हैव 26 अल्फ़ाबेट्स। कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे पास? 26। और हमारी इंग्लिश कॉपी में कितनी लाइन्स होती हैं? सबको पता है हमारे पास कितनी लाइन्स होती हैं? 4 लाइन्स होती हैं। कितनी लाइन्स होती हैं? 4 लाइन्स होती हैं। काउंट विथ मी, 1 2 3 4। कितनी लाइन्स होती हैं हमारे पास? 4 लाइन्स होती हैं। हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो तो हम टॉप 3 लाइन्स में लिखते हैं, बट जो उनके साउंड्स हैं वो हमारी कुछ टॉप 3 लाइन्स में लिखे जाते हैं, कुछ सेंटर की 2 लाइन्स में लिखे जाते हैं और कुछ लास्ट 3 लाइन्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब जब ये अलग अलग लिखे जाते हैं तो इसको हमने अलग अलग नाम भी दे दिया है। टॉप 3 लाइन में जो लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्काई लेटर। क्या कहते हैं? स्काई लेटर। स्काई हमारा ऊपर होता है तो इसलिए ये जब ऊपर लिखे जाते हैं तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? स्काई लेटर। ग्रास हमारी कहाँ होती है? ज़मीन पर होती है, तो इसलिए जो सेंटर की 2 लाइन्स में लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रास लेटर। और जो लास्ट के 3 लाइन में लिखी जाती है उन्हें हम कहते हैं रूट लेटर। रूट तो हमारी ज़मीन के भी नीचे होती है ना, अंदर होती है, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? रूट लेटर। सो हमारा फर्स्ट ग्रास लेटर कौन सा है? साउंड इज ए। साउंड इज ए, ठीक है। ए हमारी आप देखें 2 लाइन्स में आ रहा है सेंटर की, 1 2, तो ए हमारा क्या हो गया? ग्रास लेटर। नेक्स्ट साउंड हमारा क्या होता है? ब। ब तो हमारी टॉप 3 लाइन्स में आते हैं, ऊपर की 3 लाइन्स में, तो ब हमारा ग्रास लेटर नहीं है। ब के बाद क्या आता है? व्हाट कम्स आफ्टर ब? ख। व्हाट कम्स आफ्टर ब? ख। ख हमारी सेंटर की 2 लाइन्स में आ रहा है, आप देख सकते हैं सेंटर की 2 लाइन्स में, तो ये हमारा क्या हुआ? ग्रास लेटर। ख के बाद हमारा क्या आता है? ड। ड तो 2 लाइन्स में नहीं आता तो इट्स नॉट अ ग्रास लेटर। ड के बाद क्या आता है हमारा? ए। क्या आता है? ए। क्या आता है? ए। आप देख सकते हैं ए हमारे सेंटर की 2 लाइन्स में आ रहा है, ओके। व्हाट कम्स आफ्टर ए? तो हमारा स्काई लेटर है बिकॉज वो ऊपर के 3 लाइन्स में आता है। तो के बाद क्या आता है? ग। ग भी नहीं है क्योंकि ग भी हमारे नीचे की 3 लाइन्स में आता है। व्हाट कम्स आफ्टर ग? ह। ह भी हमारी ऊपर की 3 लाइन्स में आता है तो ये ग्रास लेटर नहीं है। व्हाट कम्स आफ्टर ह? ई। व्हाट कम्स आफ्टर ह? ई। ई हमारी सेंटर की 2 लाइन्स में आ रहा है इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? ग्रास लेटर। व्हाट कम्स आफ्टर ई? ज। ज हमारी 3 लाइन्स में आता है नीचे की तो ये हमारा ग्रास लेटर नहीं है। क। इल। ये दोनों हमारे ऊपर की 2 लाइन्स में आते हैं तो ये भी हमारे ग्रास लेटर नहीं है। व्हाट कम्स आफ्टर इल? उम। व्हाट कम्स आफ्टर इल? उम। उम हमारी सेंटर की 2 लाइन्स में आता है तो ये हमारा क्या हुआ? ग्रास लेटर। व्हाट कम्स आफ्टर उम? उम। उम। इन क्या हुआ हमारा? ग्रास लेटर, क्योंकि ये भी हमारे 2 लाइन्स में आता है। व्हाट कम्स आफ्टर इन? ओ। ओ। ओ हमारे सेंटर की 2 लाइन्स में आता है। व्हाट कम्स आफ्टर ओ? प। प तो हमारी नीचे की 3 लाइन्स में आता है ना, लास्ट 3 लाइन्स में, तो इट्स नॉट अ ग्रास लेटर। व्हाट कम्स आफ्टर प? क्वा। क्वा भी हमारे लास्ट 3 लाइन्स में आता है तो ये भी ग्रास लेटर नहीं है। व्हाट कम्स आफ्टर क्वा? इर। साउंड इज इर, तो ये हमारा है ग्रास लेटर। व्हाट कम्स आफ्टर इर? ये क्या है हमारा? ग्रास लेटर, सेंटर की 2 लाइन्स में आ रहे हैं। व्हाट कम्स आफ्टर ट? ट हमारा स्काई लेटर है बिकॉज सबको पता है वो ऊपर की 3 लाइन्स में आता है। व्हाट कम्स आफ्टर ट? अ। साउंड इज अ। व्हाट कम्स आफ्टर अ? व। व। सॉरी, व। क्या है ये साउंड? व। व्हाट कम्स आफ्टर व? व। वो हमारा ग्रास लेटर है, ओके। व्हाट कम्स आफ्टर वो? इक्स। इक्स। इक्स भी सेंटर की 2 लाइन्स में आता है तो ये हमारा क्या हो गया? ग्रास लेटर। व्हाट कम्स आफ्टर इक्स? या हमारा ग्रास लेटर है? नो, बिकॉज वो नीचे की 3 लाइन्स में आते हैं। द लास्ट वन इज हमारा क्या है? ग्रास लेटर, बिकॉज ये नीचे की 2 लाइन, सेंटर की 2 लाइन्स में आता है, ओके।
तो लेट्स रीड अगेन. ए ख ए ई म इन ओ इ स अ व व इक्स ज. These are grass letter. Grass letter हमारे कौन से होते हैं जो नीचे सेंटर की टू लाइंस में आते हैं. ओके क्लास.